आज है थर्सडे वाला दिन, तारीख हो रहा है 7 मार्च का दिन है एंड देर बज रहे दोपहर का एंड आई एम गोइंग टू सॉलिक। मतलब मैं अभी तो जा रहा हूँ दमदम, उसके बाद समवन विल पिक मी अप एंड वी विल गो चेंज द अलर्ट टायर ऑफ माय सीट। यस, अभी तो मैं मेट्रो करके जा रहा हूँ डनलॉप स्टेशन पे, पुराना स्टेशन जिसे बोलेंगे हम लोग। एंड एक हफ्ते से मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, आज थोड़ा राहत मिला तो सोचा ब्लॉग कर लेते भाई। Let's go। मोमो स्टेशन का एक ही घाटा है भाई, इधर तक सिर्फ बाइक ही आते हैं, गाड़ियाँ नहीं आते, तो बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ेगा हमको। एंड देखो भाई टाइम कितना हो रहा है, 2:40। टाइम मैंने दिखाया था 1:30 बजे निकला हो घर से। ये सारे लोग, ये बुलेट सब देखो, मैं हज़ारों स्कूटी और बाइकें है, ये सारे पार्क करके लोग काम पे जाते हैं, राइट, मेट्रो करके ट्रेन करके। बढ़िया है, उधर पे देखिए हेलमेट भी लगा हुआ है, अच्छा खासा हेलमेट है, कितना सारा है भाई। तो देखो हम सोचे सिविक लेके आएंगे बंदा, अरे वेयर इज माई सिविक, अरे ना वीडियो, वेयर इज माई सिविक। चलो बाड़ी देखे कि एक बार पिक कर, चलो लेट्स गो सर, लेट्स गो। अनेक दिन बाद और सर इतने दिनों बाद मिले, कैसे है बताओ? ये तो चल रहा है भगवान के आशीर्वाद से। एंड सर से जब मिलते हैं काफिला चल रहा है, आज एक ही गाड़ी चल रहा है। How is my 915 doing? All good. तगड़ा सीन होने वाला है आज, राइट? देखते हैं कैसा क्या होता है। We are in a little hurry now. Little ना, बहुत ज़्यादा हरी, बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी एक्सप्रेसवे पे है, अभी जा रहे हैं हम लोग मुंशी। हाँ, मुंशी से जो चीज़ लेना है ऑलरेडी क्या सब्सक्राइबर लोगों को मालूम होगा शायद, कलेक्ट करना है फिर उधर से करना है, फिर जाना है जहाँ पे मेरा स्टीम का टायर अलॉय फिटिंग हो रहा है, एमडी ट्रेडलिंग उधर जाना है। देखते हैं गाड़ी पे लगने के बाद कैसा लगा। हाँ एग्जैक्टली वो वाला चीज़। आपको अलॉय कैसा लगा ये बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखते हैं। For that to like get into my car. Yes sir. और इसमें भी तो 15 इंची स्टॉक लगा हुआ है, 114.3 PCD into 5. 195, 65, 115 is the stock size of this car. अप साइज होने वाला है, कितना अप साइज होगा ये तो जाके दिखाएं। हाँ जाके दिखाएं, अभी ड्राइव का मजे लेते हैं थोड़ा बहुत। गॉट द अलॉयज एंड टायर्स पास पे रख के भी देख लिए सर, कैसा लगा? एक्साइटेड, कैसा लगा? ये लग के मतलब और भी अच्छा लगेगा। एंड बहुत मतलब कष्ट करके पीछे 3 अलॉयज एंड डिक्की में एक, क्योंकि सब ऊपर भी है ना, तो डिक्की में दोनों फिट नहीं है। एंड 17 इंची भाई, हाँ बहुत ब्रॉड व्हील, बहुत ज़्यादा। एंड अभी ड्राइवर चेंज, ड्राइवर मोड ना हमारा पास ही जाओ, बिगिनर टू प्रोफेशनल। ना ना ना, नो प्रोफेशनल, आई एम जस्ट अ प्राइमरी रेस कार ड्राइवर। আমি করব ভিডিও কতদিন বাদে, এই মজাটাই আলাদা। যারা আমাকে সিভিক চালাতে দেখেছে यस, তারা মানে এডু পুলিশ নেই তো, না এডু বাম্পার টেনে দেয়। गाइस पहुंच चुके इधर पे इन द व्हील्स एंड देखो भाई अपना सिविक क्या लग रहा है, पब्लिक को दिखा रहा हूँ अपना गाड़ी क्या लग रहा है। अच्छा कंटेंट ला रहा है, अपना गाड़ी क्या लग रहा है, नजर ना लगे। ये देख लो गाइस, एंड व्हील्स उधर पे रखा हुआ है, रिम नहीं दिख रहा है अभी। 15 to 17, 13 to 15, 15 to 16 ब्रो गोल्स। एंड ये देखो सेम PCD है स्टीम वाला, लेकिन into 5 है, मेरा into 4। सो अभी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, पहले व्हील्स को वॉश होने देते हैं एंड देन लगाते हैं। एंड जो रबड़ लगा हुआ है बेस्ट क्वालिटी का लगा हुआ है, दैट इज पीएलई P6 लगा हुआ है, ठीक है 17 इंचेस में। एंड मोमो का रिव्यू दिखाते हैं भाई। हम चले गए थे हाँ, इधर से इतना पास से ही प्लेन उड़ता है भाई, बड़े लोगों का जगह है। आपका घर है, हम तो टॉलीगंज वाले बंदे। Let's review the rims. ये मोमो का टैग लगा हुआ है। बाकी स्टीयरिंग का टायर है। इस टायर्स खुल चुके हैं स्टॉक एंड वो वाला रिवॉश हो रहा है। दैट्स मोमो रिवेंज कॉन्केव 2 बता दिया। अभी देखो वॉश हो रहा है इधर प्रॉपर। जस्ट रिम्स चेकआउट करो, पिरेली 225/50R 17 इंचेस 15 से 17 एंड ग्रिप चेकआउट करो, ब्रांड न्यू टायर से भाई, ठीक है इसीलिए लिया। एंड मोमो रिवेंज कॉन्केव व्हील्स, वाओ क्या वाओ। कौन सा ज़्यादा भारी है? ये थोड़ा सा, ये तो ऑफकोर्स 17+ पिरेली। एंड ये अगर 45 हो जाता तो बेस्ट होता, 195 65 R 50। लेकिन ठीक है गाड़ी का लुक उफ। मैट ब्लैक कलर, थोड़ा सा स्पीड ग्लिच आएगा, लेकिन ठीक है चल जाएगा। अभी होगा बैलेंसिंग। लास्ट व्हील गोइंग फॉर बैलेंसिंग, देन गाड़ी का अलाइनमेंट होगा, देन लुक चेकआउट करेंगे भाई। इधर पे गाड़ी है, सामने का थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है गाड़ी, नो डाउट। एक बार में दिखाते हैं आप लोगों को गाड़ी। क्या सर, आई कांट टेल माय फीलिंग्स राइट नाउ। ये गाड़ी का एक बार लुक चेकआउट करो, ऐसे ही आप लोगों ने देख लिया घुसते हुए, ठीक है। गैप्स चेकआउट करो, उफ स्टांस देखो, प्रॉपर स्टांस आउट। एंड पिरेली लगा है भाई। अलाइनमेंट का टाइम है, अभी अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है फिर फोटो खींचेंगे मस्त बढ़िया वाला। उफ, जस्ट ये तो देखो, ओह एक्सीलेंट इस कॉकपिट मैन। ज़्यादा मतलब फुल ग्राउंडेड चल रहा है, राइट एकदम। मस्त। आपको कैसा लगा ये बताओ? आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड मतलब लुक्स देख के लग रहा है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा गाड़ी है। ऐसा ही कुछ होता है, मेरा भी स्टीम पे जब एलॉय लगा था भैया ओफ अलग ही, दोनों का ही अपसाइज थोड़ा ज्यादा हो गया। हां 13 से 15, इसका 15 से 17। ठीक है भैया, एनी विच वेज आप लोगों ने गाड़ी देखी है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना गाड़ी कैसा लगा। एंड मुझे अभी काम है, मैं थोड़ा अपना सेकंड घर में जा रहा हूँ एंड उधर से मेट्रो में फिर घर चले जाएंगे, तो ब्लॉग का कुछ मतलब नहीं है। इसी ब्लॉग को छोटा सा सिंपल सा बना होगा ब्लॉग, कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। इंस्टाग्राम पर जाकर रील देखो, बहुत बढ़िया से रील खींचा है शुभोदा ने, मैं एडिट करूँगा एंड दे दूँगा इंस्टाग्राम पर। शुभोदा को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @शुभो.post.travels। मेरे को तो पता है 404। लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना जो कि बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। एंड इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो व्हाटएवर रीजन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @404। एज ऑलवेज आई एम एट द एंड ऑफ टुडेस वीडियो। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीडियो रियल सून। बाय।